प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर पहुंच गए हैं। वह राधा स्वामी संप्रदाय के डेरा ब्यास पहुंचे। उनका जलंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से डेरा ब्यास रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर आदमपुर एयरबेस और डेरा ब्यास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में अर्धसैनिक बल और पंजाब पुलिस के जवान तैनात रहे। पीएम मोदी डेरा ब्यास के प्रमुख गुरविंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश की चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे। डेरा ब्यास पहुंचने पर उनका डेरा मुखी बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने डेरा का दौरा किया और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री संगत भवन भी पहुंचे, वहां मौजूद डेरा अनुयायियों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने डेरा की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। दोनों ने बंद कमरे में गुफ्तगू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा व्यवस्थाओं, परंपराओं और गतिविधियों की सराहना की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी डेरा ब्यास पहुंचे। डेरा ब्यास का पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी काफी असर है। डेरा ब्यास के अनुयायी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी कई बार यहां आकर आशीर्वाद ले चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।